तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ उल्टे अर्थ वाले शब्द के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हमने इसके पहले दो प्रश्न कर भी लिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर से परिभाषा और जो पेज 37 और 38 में जो तालिका दे रखी है उसको दोहराकर। तो शुरुआत करते हैं परिभाषा से। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द कहते हैं। ये बहुत सरल सी परिभाषा के बाद अब हम जो इस पाठ में जो तालिका दी है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। अच्छा क्या बुरा, तो एक बार मैं तालिका पढ़ देता हूँ। मैं दोनों विलोम शब्द को बोलता हूँ, पहले अच्छा और उसका फिर विलोम बोलेंगे। और ये दोनों तरफ से सही है, आपको पता है एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो अच्छा का बुरा, तो इसका मतलब है कि बुरा का विलोम क्या होगा, अच्छा, ये आप जान गए हैं। तो एक बार मैं तालिका पढ़ देता हूँ। अच्छा का बुरा, आज का कल, अंदर का बाहर, आगे का पीछे, सरल का कठिन, पास का दूर, मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब, दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताजी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। तो ये थी तालिका जिसे आपने याद कर ली होगी, परिभाषा तो आपको याद है। तो अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द, उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। तो इसके अंदर हमें विलोम शब्द का कोई विकल्प भी नहीं दिया है, बस हमने जो तालिका पढ़ी है उसकी मदद से हम इसे पूरा कर सकते हैं और ये बहुत आसान भी है। तो शुरुआत करते हैं अपने तीसरे प्रश्न। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, अभ्यास का ये तीसरा प्रश्न, उचित विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। तो हमें चार वाक्य दिए गए हैं और पहला है क भाग, सूरज निकलने से उजाला इसका विलोम हमें करना है। पाठ्यपुस्तक में लाल रंग से शब्द दिया गया, मैं इसको जरा रेखांकित कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उजाला फैलता है, रिक्त स्थान दूर होता है, होता है।
उजाला का हमें विलोम लिखना है। उजाला का अंधेरा होता है, ये हमने तालिका में भी आपको बताया था। तो सूरज निकलने से उजाला फैलता है और अंधेरा दूर होता है, तो उजाला का विलोम होता है अंधेरा। तो अंधेरा में लिख रहा हूँ और फिर चंद्र बिंदु लगाया है, ध पे की मात्रा, फिर रा अंधेरा। तो ये हमारा, मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ, सूरज निकलने से उजाला फैलता है अंधेरा दूर होता है। तो उजाला का हमें विलोम लिखना है तभी ये वाक्य पूरा होगा। ख हमारा दूसरा वाक्य है, वीर सैनिक हार रिक्स्थान से नहीं डरते, से नहीं वीर सैनिक हार, उसके बाद रिक्तस्थान है मतलब हार का हमें विलोम शब्द लिखना है। आपको पता ही है हार का जीत होता है, तब ये वाक्य हमारा पूरा होगा। हार का जीत, इसका अर्थ भी देखो पूरा हो जाता है, वीर सैनिक हार जीत से नहीं डरते, वीर सैनिक हार जीत से नहीं डरते। उन्हें आपको पता ही है वीर सैनिक जो होते हैं उनको हार या जीत का परिणाम जरूरी नहीं होता है, उन्हें लड़ने से मतलब होता है, देश की रक्षा के लिए लड़ना उनको आता है। वे ये नहीं देखते कि उसका परिणाम हार में है या जीत में। तो हार का विलोम हमने लिखा जीत, और पहले वाले में सूरज निकलने से उजाला का विलोम हमने अंधेरा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो रेखांकित है उसका हमें विलोम लिखना है तब जाके ये वाक्य पूरा होता है। ग पे चलते हैं, तीसरा वाक्य ग ताजी, इसी का विलोम करना है इसीलिए रेखांकित है। ताजी चीजें खाओ, ताजी चीजें खाओ, रिक्तस्थान नहीं, ताजी का विलोम से है। ताजी चीजें खाओ, ताजी का होता है बासी, ताजी का विलोम होता है बासी, तो हमें ताजी चीजें खानी चाहिए बासी नहीं, तो ताजी का विलोम बासी। अंतिम वाक्य घ घ है सरल, सरल का ही विलोम से बनाना है, रेखांकित कर देते हैं, लाल रंग में दिया भी गया है। सरल प्रश्न, पहले हल करो, पहले हल करो, बाद में रिक्तस्थान, बाद में। ये आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि परीक्षा में जो है हमें सबसे पहले जो है
सरल प्रश्नों को करना चाहिए। सरल मतलब आसान, और सरल का विलोम आपको पता ही है, सरल का कठिन होता है। तो सरल प्रश्नों का प्रश्न, सरल प्रश्नों प्रश्न पहले हल करो, कठिन बाद। एक नियम ही होता है, आपको पता चल गया कि जब भी कोई भी परीक्षा हो तो कहा जाता है कि बच्चों को सबसे पहले वो प्रश्न करने चाहिए जो उन्हें आते हैं, जैसे जो आसान होते हैं या सरल होते हैं, तो उसके बाद में कठिन प्रश्नों को करना चाहिए। ताकि इसका एक फायदा ये भी है कि आपका कोई आसान प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं तो बच्चे कठिन प्रश्न करते रह जाते हैं और जो उनको आता होता है वो भी छूट जाता है। तो इसीलिए कहा गया, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सरल का विलोम होता है कठिन, सरल प्रश्न पहले हल करो, कठिन कठिन बाद में। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न बहुत आसान है, अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। इसमें हमको विलोम शब्द बनाने हैं और ये लिख भी रखे हैं। कुछ शब्द जो होते हैं अ लगाकर विलोम बनाए जा सकते हैं। उन शब्द के अगर आगे हम अ लगा देंगे तो विलोम, जैसे शांति का अशांति। तो कुछ शब्द हैं, हर शब्द नहीं, तो ये आप ये मत समझ जाइएगा कि किसी भी शब्द के आगे अगर हम अ लगा देंगे तो विलोम बनता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम अगर हम विलोम बनाना चाहते हैं तो मात्र अ लगा देने से आगे वो विलोम बन जाता है, लेकिन ये सभी शब्दों पे लागू नहीं होता ही नहीं है। तो हमें कुल मिला के 6 शब्द दिए गए हैं, एक उसमें तो उदाहरण भी है। ये हमारा चौथा प्रश्न, करते हैं अभ्यास का चौथा। अभ्यास का चौथा प्रश्न है हमारा, अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। विलोम शब्द बनाओ। पहला है कौन कौन से, उदाहरण भी दे रखे हैं, हम उनको लिख भी देते हैं यहाँ पे। और बीच में लिखा है, उसके बाद वो शब्द दे रखे हैं, जैसे सत्य, कुशल, शुद्ध, हिंसा, इधर धर्म, और एकदम बीच में बना रखा है, हम भी उसी तरह बना देते हैं जैसे बुक में दिया है, पाठ्य पुस्तक में दिया है। और हमें 3 शब्द यहाँ लिखने हैं और 3 शब्द यहाँ लिखने हैं, और ठीक पाठ्य पुस्तक जैसा ही हमने बना दिया है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, धर्म के अगर आगे अ लगा दिया जाए तो अधर्म बनता है, ये हमें दे रखा है। तो बच्चों ये वे शब्द हैं जो अ लगा करके इनका विलोम बन जाता है। फिर से एक बार आपको याद दिला दें, सभी शब्द के आगे अ लगा देने से
विलोम नहीं बनता है, इसे जान लीजिए। लेकिन ये जो खास शब्द हैं जो छः, अगर हम इनके आगे अ लगा देंगे तो विलोम शब्द बन जाता है। जैसे सत्य के आगे अगर हम अ लगा देंगे तो असत्य बनेगा, तो सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य। असत्य अगर शुद्ध के आगे अ लगा दिया जाए तो अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध का विलोम होता है। अशुद्ध हिंसा के आगे अहिंसा, अहिंसा कुशल के आगे अगर अ लगे तो अकुशल, उसी तरह ज्ञान के आगे अगर अ लगा लिया तो अज्ञान। तो एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं, कौन कौन से शब्द हमने बनाए अ लगा करके। पहला अ लगा के असत्य बनाया, फिर अशुद्ध, उसके बाद अहिंसा, उसी तरह अकुशल, अधर्म, अज्ञान। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। एक और क्रिया के लाभ का भी एक प्रश्न है हमारा, उसे भी कर लेते हैं। वह भी अ लगा कर ही अशुद्ध बनाने वाला शब्द है और इसे हम आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है, चार्ट पे तो नहीं, ड्राइंग शीट पे जरूर इसे कर लीजिएगा। ये हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न है। क्रिया कलाप का प्रश्न है, इसमें भी हमने अ लगा करके विलोम शब्द बनाने हैं और कौन कौन से शब्द हैं, और इसे आपको ड्राइंग शीट पे लिखना है और इसे कक्षा में भी हमें टांगना होगा बोर्ड पे। तो कौन कौन से हैं, पहले मैं शब्द को लिख देता हूँ। पहला शब्द है शिक्षा, दूसरा शब्द हमारा है साधारण, तीसरा है स्वस्थ, चौथा है संतोष, पांचवा हमारा शब्द है न्याय। जैसा कि आपको पता ही है, ये भी खास शब्द हैं जो अ लगा करके विलोम शब्द में बनाए जा सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, किसी भी शब्द के आगे अगर हम अ लगा देंगे तो विलोम नहीं बनेगा। ये जो हमारा चौथा प्रश्न था और जो क्रियाकलाप का जो है, इसमें भी जो शब्द दिए गए हैं ये खास शब्द हैं जो अ लगा करके ये विलोम शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो इनको लिखते हैं। पहला हमारा शब्द है शिक्षा, शिक्षा का विलोम होता है अशिक्षा, तो मैं लिख दूं शिक्षा का विलोम अशिक्षा। उसी तरह साधारण का असाधारण, असाधारण। उसी तरह स्वास्थ्य का, स्वस्थ का अस्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ। संतोष का असंतोष, उसके बाद न्याय का अन्याय, न्याय का अन्याय। तो शिक्षा का अशिक्षा, साधारण का असाधारण, स्वस्थ का अस्वस्थ, संतोष का असंतोष,
न्याय का अन्याय। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा 10वां पाठ पूरा होता है, कल हम अपना 11वां पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।